सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनिकर्मिण तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मौलिक हजरत श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही बंधु हो। हमारा दूसरा मित्र परिवार है और परिवार बसाने का कारण सुरक्षा, सुख, जीवन यापन। बिना परिवार के संसारी जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। इंसान के पास में दिमाग है। क्या है इंसान के पास में? दिमाग। और वो बहुत तेज है, जैसे अग्नि है। अग्नि को प्रति क्षण कुछ देते रहो तो वो जलती रहेगी, और अग्नि को कुछ नहीं दोगे तो जो स्थान है वो उसी को जलाना शुरू कर देगी। ऐसे ही इंसान के पास में वरदान के रूप में मन मिला हुआ है, और ये मन, ये दिमाग, ये बुद्धि प्रति क्षण काम मांगती है। क्या मांगती है? काम मांगती है। यदि इसे अच्छे काम करवाते रहो तो ये सही चलती रहेगी, और यदि इसे अच्छे काम नहीं करवाओगे तो ये तुमको ही खाना शुरू कर देगी, तुमको ही परेशान करना शुरू कर देगी। एक भाई आए, बोले माता जी घर में कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं हमारे घर में। माँ, बहन, पिताजी, पत्नी अच्छी, बच्चे अच्छे, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। क्या बोला? मन नहीं लगता है। अब जैसे आप संसार में रहते हो तो संसार में आपको जो जो चीज चाहिए आपको वो सारी चीजें मिल गई। जब तक नहीं मिली थी तो मन उसके लिए प्रयास कर रहा था, मन उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा था। अब वो सारी चीजें मिल गई, अब मन क्या करे? मन के पास काम नहीं बचा। अब या तो लड़े या भेड़े, कुछ तो करना पड़ेगा, मन खाली नहीं बैठ सकता है। लेकिन अब शांत रहने की प्रवृत्ति है, लड़ने की प्रवृत्ति है नहीं है। अब काम नहीं है पास में तो मन वो खुद ही परेशान होता रहता है। मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं। मैंने उन व्यक्ति से कहा, भाई साहब आप PhD करो। क्या कहा मैंने उनसे? पढ़े लिखे थे, अच्छे परिवार के थे, बुद्धिमान थे। मैंने उनसे कहा आप PhD करो। जैन धर्म में ध्यान की महत्ता, मैंने कहा इस विषय पे आप PhD करो, आपका मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका मन गड़बड़ है ही नहीं है। ऐसे एक भाई आए, बोले माता जी, एक सन्यासी के पास एक भाई पहुंचे, बोले हमारा मन नहीं लगता है। सन्यासी गांव का बड़ा माना हुआ सन्यासी था। बोले घर में बीबी, बच्चे, परिवार, नाती पोते सब कुछ है,
लेकिन मन नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ जितना सोना है वो एक पोटली में बांध के लाओ। विश्वास था और सन्यासी ने सोना मांगा है, मतलब डबल कर देगा। हाँ, कुछ तो मन में हो गई कि कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, गड़बड़ तो ये करेगा नहीं, क्योंकि विश्वास था। अब वो अपनी एक पोटली में सोना इकट्ठा करके लाए और सन्यासी के सामने वो पोटली रख दी। सन्यासी ने वो पोटली उठाई और भागना शुरू कर दिया, भाग गया। अब पूरे गांव की गलियां जानता था, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली। अब आगे आगे सन्यासी और पीछे पीछे सेठ जी। खूब भगाया, 2 घंटे तक खूब भगाया, खूब भगाया। जब सेठ जी थक गए तो लाके फिर उसी पेड़ के नीचे वो पोटली रख दी और बैठ गया सन्यासी। सेठ जी आए, उन्होंने वो थैली उठाई और छाती से लगाई। सन्यासी बोला, थोड़ा सुख मिला क्या? कुछ समझ में आया नहीं आया? सन्यासी क्या बोला? थोड़ा सुख मिला, सोना पहले भी था लेकिन डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया सोने से, फिर दोबारा मिला, अब सुख मिला। घर में नाती पोते हैं, थोड़ा डिस्टेंस हो जाए फिर मिले, थोड़ा सुख मिलता है। जो चीज मिली, मिल गई है उसका सुख नहीं है, उसके बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है। ये मन, वैसे तो इसका उपयोग सही कर लिया जाए तो ये वरदान के रूप में है। मैं तो देखती हूं कि हर व्यक्ति एनर्जी से भरा हुआ है, हर व्यक्ति ऊर्जावान है, हर व्यक्ति के अंदर दिमाग है, बुद्धि तेज है। लड़ता कौन है? जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो, या जिसके पास बुद्धि ज्यादा होती है वो? अरे बोलिए ना, हैं? जिनके पास ज्यादा होती है, क्या बात है, तो आप ही कह रहे हैं, मैंने तो कहा ही नहीं कि जिनके पास बुद्धि ज्यादा होती है वो ही लड़ता है। बिना शक्ति के लड़ सकते हो? बिना बुद्धि के लड़ सकते हो? हैं? नहीं लड़ सकते हो। यानी लड़ने के लिए बुद्धि भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए। जितनी अच्छी चीजें क्वालिटी की होती हैं, लड़ने के लिए भी सारी चीजें वो ही चाहिए। अब जैसे पूजा कर रहे हो तो पूजा करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, समर्पण की भावना चाहिए, तब आप पूजा कर पाओगे। और लड़ने के लिए क्या चाहिए? लड़ने के प्रति समर्पण तो चाहिए ना, क्रोध के प्रति समर्पण चाहिए। किसके प्रति? क्रोध के प्रति समर्पण चाहिए। बुद्धि चाहिए, क्या बोलना है, कितना चिल्लाना है, कितना डांटना है, इसको कितना नीचा दिखाना है, बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के तुम लड़ भी नहीं सकते हो। तो मैं तो ये देख रही हूं कि हर व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ है, और लड़ाई वहां होती है जहां ऊर्जावान लोग रहते हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, हैं? लड़ाई कहाँ होती है? जहाँ कमजोर लोग रहते हैं, बीमार लोग रहते हैं, लड़ाई वहां होती है। यहाँ जहाँ ताकतवर लोग होते हैं, ऊर्जावान लोग होते हैं, लड़ाई वहां होती है। कहाँ होती है लड़ाई? जहाँ ऊर्जावान लोग रहते हैं। बिना ऊर्जा के लड़ाई हो ही नहीं सकती। अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, 70-80 दिन हो गए, है ना। अब जो कहां वाले कर रहे हैं युद्ध, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन छोटा है और रूस बड़ा है। अब युद्ध करने में ताकत लग रही कि नहीं लग रही? युद्ध, यदि मान लो रूस को यूक्रेन पर हमला करना है तो क्या क्या चीज चाहिए? सेना चाहिए। अब सेना बिना फ्री में तो मिल नहीं रही, सेना के लिए खर्चा बुरा लगता है। उनको पैसा भी देते हैं, खाना भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, हैं? और जितने बम होते हैं पटकने वाले, वो बम भी बिना पैसे के थोड़ी मिलते हैं, बड़े महंगे आते हैं। जितने हथियार बनते हैं बड़े महंगे महंगे बनते हैं। तो इन सब काम के लिए खर्चा लग रहा नहीं लग रहा? शक्ति लग रही नहीं लग रही?
हैं और ये सब काम ना करें तो शांति फ्री में मिल जाएगी क्या? शांति फ्री में मिल जाएगी। और युद्ध पैसे से होता है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उतने दिन तक युद्ध कर सकता है, जितना ज्यादा पैसा उतने दिन तक युद्ध कर सकता है, और जितना कम पैसा उतने कमजोर होकर के कम युद्ध कर पाएगा। ऐसे ही जिसके पास जितनी शक्ति वो उतना ज्यादा लड़ सकता है, उतना ज्यादा अपने दिमाग को खर्च कर सकता है ना। तो ऊर्जावान लोग, यानी कि कहने का मतलब अभिप्राय ये है, यदि नेगेटिव कार्य करनी है तो भी ऊर्जा चाहिए और पॉजिटिव कार्य करने हैं तो भी ऊर्जा चाहिए। अक्सर जो परिवार शांति का कारण है, परिवार किसका कारण है, अशांति का या शांति का? परिवार क्यों बसाता है इंसान, शांति के लिए या अशांति के लिए? अरे बोलिए ना, मिली नहीं मिली तो अपने बच्चों को फिर उसमें मत डालना, परिवार में दीक्षा दिलवा देना। जब तुम्हें नहीं मिली है तो अपने बच्चों को क्यों अशांत करना चाहते हो, अपने बच्चों को क्यों वहां गिराना चाहते हो जहां अशांति है? उन्हें शांति के मार्ग में भेजो ना। अब मैं क्या कहना चाहती हूं वो आप सुने। मैं ये कहना चाहती हूं कि अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि को सही जगह लगाएं। जिस बुद्धि से आप झगड़ा कर रहे हैं उस बुद्धि को स्वाध्याय में लगा दें। जिस वाणी से आप झगड़ा कर रहे हैं उस वाणी को आप भजन और भक्ति में लगा दें। अभी कहा जाए यहां भजन सुनाइए, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, हमें तो नहीं आता, हमें तो नहीं आता। अभी लड़ना पूछो इनसे, आता कि नहीं आता? हाँ, अपने घर में लड़ना तो आता ही आता है, और दूसरे घर की बहू हो और जरा तुम्हारी बात मानते हो तो उसके घर में और लड़ाई झगड़ा करवा दोगे, उसमें बड़े एक्सपर्ट हो। बोलिए ये बात है या नहीं है? अभी एक दिन की बात है कि गर्मी की छुट्टियां थी। अब राजस्थान में प्रचलन है कि गर्मी की छुट्टियों में बहुएं अपने बच्चे को लेकर अपने पीहर जाती हैं, है ना, उसके बाद फिर लौट के भी आती हैं। तो एक बहू जो है वो पीहर नहीं गई, क्योंकि उसकी सास बीमार थी। क्यों नहीं गई? क्योंकि उसकी सास बीमार थी। पीछे से एक बहू आई, ए तू पीहर नहीं गई, हम तो हुआ है पीहर। उसने कहा मेरी सास बीमार है। अरे तो अपनी जिठानी को कह देना, वो भी तो करेगी कम से कम कुछ काम। अभी ये बात वो बड़ी सहजता में कह रही है, लेकिन इस बात से लड़ाई और झगड़े भी हो सकते हैं। उसके मन में आपने लड़ाई का बीज बो दिया, उसे लगेगा हाँ ये सही कह रही है, मैं अकेली अकेली क्यों करूं सास की सेवा, जिठानी भी तो है उसको भी तो करना चाहिए, मुझे भी तो पीहर जाना है। वैसे बिल्कुल शांत थी वो, उसका मन बिल्कुल शांत था, कहीं उसके दिमाग में नहीं था कि उसे पीहर जाना है। उसके भाव थे कि मेरी सास बीमार है, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, उसके मन में ऐसे भाव थे। और आपने क्या किया? अरे बोलिए ना, आग लगा दी। क्या लगा दी? लेना नहीं देना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्तेदारी भी नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़े करवाने में, बोलने में ये नहीं सोचते हैं कि मेरे बोलने के बाद उसका असर कहां तक होगा। अब ये बोलने की बात की कहां जरूरत आ रही थी, उसे कहां सिखाने की जरूरत आ रही थी? उसे कहती बहन तू तो बहुत अच्छी है, कम से कम तेरे अंदर इतनी भावना तो है कि तू अपनी सास की सेवा कर रही है, और अपनी सास की सेवा करके कम से कम इतना पुण्य तो कमा रही है। तेरी सास कितनी धर्मात्मा है, कम से कम एक धर्मात्मा का सेवा का पुण्य तो तू घर में ले रही है। यदि ये बात बोलती तो उसको संतुष्टि मिलती, उसका मन शांत होता, और वो जो काम कर रही है उसे अच्छा लगता कि मैं जो कर रही हूं वो सही कर रही हूं। लेकिन तुमने क्या किया? उसके घर में लड़ाई के बीज बो दिए। खुद के घर में तो लड़ते ही लड़ते हैं, खुद के घर में तो शांति है नहीं है, मगर अपने घर के साथ साथ औरों के घर के लड़ाई झगड़े भी करवाते हैं। जरा एक बात वचन मुंह से निकालने के पहले सोचो कि हम बोल क्या रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा। एक बहन जी आई,
बोले माता जी मेरा पति से कल रात झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा होता है इनसे। भाई क्या बात है, कल रात क्यों झगड़ा हो गया तुम्हारा? बोले वो मेरी सलवार है ना, वो जरा सी फट गई थी तो मैंने उसको पूरी फाड़ दी और फिर मैंने अपने पति को बता दी। सलवार तो नहीं थी, वो जरा सा कुछ लग गया था तो मैंने उसको तो पूरा पकड़ के फाड़ दिया अपने पति के सामने। अब पति को गुस्सा आएगा या शांति मिलेगी बताइए आपके ऐसा काम करने से? और बड़े अपने आप शान से बता रहे हैं, बेचारा मेहनत कर रहा है, गर्मी में बरसात में ठंड में इतनी मेहनत कर रहा है, कमाई करके ला रहा है और तुम उसकी कमाई को इस तरह से फाड़ रहे हो और फिर कहते हो हमारा पति हमसे बहुत लड़ता है। तुमने मान लो सलवार फट भी गई थी या तो चुपचाप उसे अलग कर देती, पति को बताती ना, ये उसको सिल करके घर में पहन लेती, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन नहीं, जितनी बातें हैं वो सारी उगलनी जरूरी है, उसका अंजाम नहीं देखना है कि इससे लड़ाई होगा या इससे झगड़ा होगा या लड़ाई होगी, इसका अंजाम बिल्कुल नहीं देखते। बोलने के पहले तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है। आज घर में लड़ाई झगड़े का यही कारण है कि सामने वाले को देखो तो सही कि वो किस मूड में है, दिन भर का थका हारा आया है, दिन भर का परेशान होके आया है, दिन भर उसने कितनों से माथा फोड़ी करी है, कितनों से लड़ाई झगड़े करके आया है, कमाई करके लाया है और आते तुमने एक और पेश कर दिया। अब उनसे तो लड़ नहीं सकता था, तुमसे तो लड़ सकता है। अब यही फिर लड़ाई झगड़े फिर छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं। सामने वाले का विचार नहीं किया, सामने वाले के प्रति सोचा नहीं, सामने वाले के मूड को नहीं देखा और उसके बाद तुमने जो आया वो मन में तुमने बोला और उसने बोला, तो हो गई फिर महाभारत। किसने करी, किसकी ना समझदारी से हुई? कई बार तो जैसे हमारे गुरुजी थे, तो जब मैं कई बार गुरुजी के चरणों में जाके बैठती तो गुरुजी एक कोई प्रकरण छेड़ देते, बोले पुरुष बहुत सीधे होते हैं। अब मुझे लगता है कि पुरुष का पक्ष गुरुजी ले रहे हैं तो मुझे महिलाओं का पक्ष लेना चाहिए, पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, तो मुझे लगा महिलाओं का पक्ष लेना चाहिए। मैंने कहा नहीं, महिलाएं बहुत सीधी होती हैं। बोले ना पुरुष सीधे होते हैं, महिलाएं चाहे तो उन्हें अपने हिसाब से कैसे भी घुमा सकती हैं, घुमाना आना चाहिए, एक आंसू बहाना आना चाहिए, तुरंत दिल पिघल जाता है। बोले इससे बड़ा और क्या सीधा मिलेगा। तो गुरुजी कहते थे कि नहीं, वास्तव में पुरुष के अंदर शक्ति है मगर घुमाने की ताकत नहीं है, महिलाओं में शक्ति नहीं है मगर इनके अंदर दिमाग को घुमाने की ताकत है। यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ 25-50 साल रह गई है, इसका मतलब उसे पुरुष को घुमाना आता है। उसने किस तरह से अपने पति को अपने वश में किया है, क्योंकि वश में करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, किसी को वश में करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। सामने वाले की दो बातें सुनी, प्यार पुचकार से उसे ठीक किया, लो हो गया वश में। लेकिन वो दो कहे और तुम चार कहो, तो वो चार कहे और वो आठ कहो, ऐसे वश में कोई नहीं होने वाला है। आजकल हो क्या रहा है, इतने तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दो बात जिसे सुननी नहीं आई उसके वश में कोई भी रहने वाला नहीं है। भगवान बोलते हैं क्या? अरे बोलिए ना, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? किसकी सुनते हैं? सबकी सुनते हैं, सारी दुनिया की सुनते हैं। जो सबकी सुन लेता है वो भगवान बन गया, बोलता नहीं है। क्या बोलता नहीं है, सुनता सबकी है, भगवान बन गए। सुनना सीखो, सुनने में क्वालिटी लाओ, बोलना तो बोलने में तो क्वालिटी इतनी है नहीं। बोलने में क्वालिटी नहीं है तभी तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बोलने में क्वालिटी नहीं है तभी तो तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, बोलने में क्वालिटी नहीं है तभी तो ये अशांति का वातावरण बना हुआ है। अब बोलने में क्वालिटी लाना है तो बोलने से नहीं आएगी, किससे आएगी? मौन होने से आएगी। बोलने में क्वालिटी किससे आएगी? मौन होने से आएगी। और मौन लेना सीखो, जो दिन में 2 घंटा मौन लेना सीख जाएगा वो सामने वाले को समझना सीख जाएगा।
और जो सामने वाले को समझना सीख जाएगा उसके बोलने में क्वालिटी आ जाएगी। और ज्यादा क्वालिटी लानी है स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने के बाद जो आपके मन में परिवर्तन आएगा, जो आपकी आत्मा में परिवर्तन आएगा, जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, शरीर तो यही रहेगा, आंखें भी यही रहेंगी, कान भी यही रहेंगे, मुंह भी यही रहेगा, लेकिन सुनने का तरीका बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा और बोलने का तरीका बदल जाएगा। अब आप कहोगे माता जी आप परिवार की बात क्यों कर रही हो, आप तो अपनी आत्मा की बात करो ना, धर्म की बात करो ना। हो सकता है, लेकिन जिसके घर में शांति नहीं है उसके मंदिर में भी शांति नहीं होने वाली है। जिसके घर में शांति होगी उसे भगवान के दर्शन मंदिर में हो जाएंगे, और जिसके घर में शांति नहीं होगी उसे भगवान के दर्शन मंदिर में होने वाले नहीं है। अच्छा, शांत रहना धर्म है या क्रोध करना धर्म है, देख लो एक बार। है लड़ना धर्म है या नहीं लड़ना धर्म है? नहीं लड़ना धर्म है। तो यदि आप परिवार में रहकर लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो तो आप धर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अब बताइए मुझे। यदि आप परिवार में रह के शांति से रहते हो, अपशब्द नहीं बोलते हो, कड़वा नहीं बोलते हो, टेढ़ा नहीं बोलते हो, अपमान के वचन नहीं बोलते हो, तो आप धर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो धर्म की शुरुआत कहां से है? पूजा करने से। अरे बोलिए ना, शांति से रहने से है। धर्म की शुरुआत कहां से है? शांति से रहने से है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करवाने में धर्म है या किसी के घर में शांति करवाने में धर्म है? तो आज से क्या करोगे देख लो। इसके लिए आपको एक महीना 2 घंटा मौन लो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। मौन लेकर सोना नहीं है, मौन लेकर टीवी नहीं देखनी है, मौन लेकर सबके बीच में रहना है, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सामने वाले की गलतियां, सामने वाले की अच्छाइयां तभी पता चलेंगी जब आप मौन रहोगे। जब तक आप बोलते हो ना तो आपका दिमाग तो बोलने में लगा रहता है, सुनने में नहीं लगता है, देखने में नहीं लगता है। यदि बाई चांस आप मौन रहे और फिर सामने वाले को देखोगे तब पता चलेगा कि सामने वाला क्या है। और अपनी नेगेटिव चीज है ना, ज्यादा दूसरों के अंदर मत डाला करो। ये बड़ी पता नहीं कौन सी आदत है, जितनी अंदर की बुराई गंदगी सब दूसरे के कान में डालते रहते हैं, और सामने वाला भी प्यार से डलवाता रहता, तू मुझे मेरे में डाल, मैं तेरे में डाल रही, और दोनों फिर आपस में टेंशन करते रहते हैं, अरे उनके यहां ऐसा हो गया, अरे उनके यहां ऐसा हो गया, फिर आपस में यही चर्चा का विषय बन जाता है। फिर तो तीसरे से कहोगे, फिर चौथे से कहोगे, अब धर्म की बात तो है नहीं, धर्म की चर्चा तो है नहीं। अब जो दिमाग में भरा होगा, टंकी में जैसा पानी भरा होगा, नल से वैसी तो निकलेगा। सामने वाले के बोलने से पता चल जाता कि इसके दिमाग में क्या भरा हुआ है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो अपने अंदर क्वालिटी क्वालिटी पैदा करो। संसार में यदि कीमत है तो क्वालिटी की है। घास फूस को कोई नहीं पूछता है क्या? घास फूस को कोई नहीं पूछता है। और बाग में जाता है, घास फूस तुम्हारे घर के सामने होगी, देखेगा भी नहीं, रौंद के चला जाएगा। और जहां गुलाब खिले होते हैं, जहां फूल खिले होते हैं, वहां गाड़ी ले जाता है, घूमने जाता है, बैठता है, देखता है। क्वालिटी की कीमत है संसार में। और लड़ने भिड़ने से कोई क्वालिटी नहीं बनने वाली है। जितना समय, जितनी शक्ति, जितनी एनर्जी आप लड़ने भिड़ने में लगा रहे हैं, इतनी अपनी क्वालिटी बढ़ाने में लगा दो तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो आज से लेके कल तक लड़ने का त्याग, 24 घंटे लड़ने का त्याग, यानी गुस्सा करने का त्याग। अरे बोलिए ना, कौन कौन कर रहा है हाथ उठाकर बताओ? कल तक के लिए, 24 घंटे के लिए गुस्सा करने का त्याग, देख लूं कौन तैयार है करने के लिए। फिर आप भी देख लेना इधर एक दूसरे को। आज आपकी परीक्षा होगी, ये ध्यान रखना।
गुस्सा दिलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बड़े शांत रहना। कैसे पक्का बनना है, कैसे उस गुस्से को कैसे क्षमा बनाना है। क्रोध करने में बड़ी मेहनत लगती है, लगती कि नहीं लगती है, हैं? अच्छा, किसी से कोई बात प्रेम से बोलनी हो तो मेहनत लगेगी क्या? बड़े धीरे से मुस्कुरा के कह देंगे, है ना। और यदि क्रोध करना हो और फिर बोलना पड़े तो मेहनत लगेगी ना, कितनी मेहनत लगेगी, चौगुनी मेहनत लगती है क्रोध करने में। तो जो शक्ति क्रोध करने में खर्च कर रहे हो, उस शक्ति को सही जगह लगा दें, कुछ सीखने में लगा दें, कुछ पढ़ने में लगा दें, कुछ स्वाध्याय में लगा दें, कुछ अच्छी बातों में लगा दें। तो जिस जीवन को आप जी रहे हो ना, ये जीवन बहुत अच्छा बन जाए, बहुत अच्छा बन जाएगा। और धर्म का क्या काम है, जीवन को अच्छा बनाना। यदि आप अपना जीवन अच्छा नहीं बना पाए, इसका मतलब ये कि आप अभी धर्म नहीं कर पाए, धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई आपके जीवन में। भले आपके रोज मंदिर जाते हैं, भले आप पूजा भी करते हैं, लेकिन जीवन अच्छा नहीं बन पाया है, तो आपने अभी धर्म करना शुरू नहीं किया है। तो अभी तो मैं आपको LKG वाला उपदेश दे रही, जो LKG बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, आज का प्रवचन वो था LKG वाले बच्चों के लिए। अब आप मेरे इस प्रवचन को सुन करके आप अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा करें कि मैं आपसे जीव कांड और कर्म कांड की चर्चा कर सकूं। यदि आपको अच्छा लगा हो आज का प्रवचन, तो आप अपने घर में जाकर स्वाध्याय करें, मंदिर में सामूहिक बैठकर के स्वाध्याय करें, और आप इतना स्वाध्याय करें, कोई पंडित जी हो, कोई आपके यहाँ पढ़ाने वाला हो, पीछे पड़ जाएं उसके, हमें स्वाध्याय करवाइए, हमें स्वाध्याय करवाइए, उसके पीछे पड़ जाएं कि हमें करना है, मतलब करना। भले तुम पैसे ले लो, अपने बच्चों के ट्यूशन में भी तो खर्च करते हो, बच्चों के स्कूल में भी तो खर्च करते हो, तब कहीं जाके वो पढ़ाई करता है। तो क्या यदि आपको स्वाध्याय और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च करना पड़े, तो क्या नहीं करना चाहिए? यदि पैसे खर्च करने पर भी ज्ञान मिल रहा हो तो ले लेना, उसकी बुराई मत करना। देखो, पैसे लेता है पढ़ाने का, अरे दुनिया में स्कूल में भी तो पैसे लेते हैं, यदि इनमें भी ले लिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे आप स्वाध्याय करो और इतनी क्वालिटी पैदा करो कि मैं आपसे बड़े बड़े ग्रंथों पर चर्चा कर सकूं, और मुझे लगे कि हाँ, हमारी जैन समाज आज इतनी ऊर्जावान हो गई है कि आज मैं बड़े बड़े ग्रंथों पर उससे चर्चा करती हूँ। तलवार में म्यान का, देने में दान का, और जीवन में ज्ञान का। ट्रेन में टीटी का, राजस्थान में दाल बाटी का, और बनाने में अपने जीवन की क्वालिटी का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, भाव से तरने का, और अपने जीवन को सुखी करने का बड़ा ही महत्व है। दूसरों का बाद में करना, पहले खुद का कर लो। खुद को दुखी कर रखा है, जो खुद को सुखी कर लेगा वो सबको सुखी कर देगा, और जो खुद को दुखी करता है वो सबको दुखी करता है। इसलिए तुम सुखी रहो तो संपूर्ण विश्व सुखी रहेगा। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े ध्यान से सुनने का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में मालवी नगर का बड़ा ही महत्व है। गाड़ियों में ट्रैक्टर का, रसोई में लाइटर का, और मालवी नगर में 10 सेक्टर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। रसोई में पटा का, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, चैन में कड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। गाने में गला का, टल्ले में बला का, और आने वालों में मेरु कला का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में गधा का,
हाथ में सदा का और आने वालों में वर्धा का, बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का, बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का, बड़ा ही महत्व है। गर्मी में पना का, अनाज में चना का और आज की शाम की भक्तांबर की दीप अर्चना का, बड़ा ही महत्व है। बोले चौबीसों भगवान की। जाजपुर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। बहुत ही कम समय में इस तरह का ये क्षेत्र बना है। 2013 में मुनि सुब्रत नाथ भगवान की मूर्ति जो यहाँ से निकली, उसके बाद 8 साल ही हुए हैं। 8 साल में इसका जो उद्यापन हुआ है और जो जिस तरह से क्षेत्र बना है, पूरे भारत के अंदर आज ये जाना जाने वाला क्षेत्र हो गया है। और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया है। यहाँ रहने की व्यवस्था, उसके बाद सुबह में अभिषेक शांति धारा की व्यवस्था एकदम प्रॉपर तरीके से चलती है यहाँ पे। और माता जी के सानिध्य में आज शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम जयपुर से नंद किशोर जी, माधव प्रसाद जी, प्रमोद, सुनील पाड़िया परिवार, आज छोटे भाई की एनिवर्सरी है, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं। और आज पोते ने भी पहला अभिषेक किया है, तो सभी को, और बेटे ने भी पहला अभिषेक किया है, ये एक सौभाग्य की बात है सबके लिए। और बहुत बहुत साधुवाद। अभाग्य हमारा कि हम तीर्थ बंधने के लिए श्री दिगंबर जैनित क्षेत्र तिजारा जी, श्री दिगंबर जैनित क्षेत्र श्री महावीर जी के लिए दर्शनार्थ तो आए। एकाएक भाव बने कि जहाजपुर भी दर्शन करके आए। यह मेरा प्रथम सौभाग्य है कि मैंने मुनसिप्रसाद भगवान की पहली बार यहाँ पर आकर के दर्शन किए। बस अफसोस अब तक इस बात का है कि निरंतर 8 वर्ष मैंने क्यों खो दिए, आज से पहले मैं तीर्थ क्षेत्र में क्यों नहीं आया। ऐसा सुंदर तीर्थ क्षेत्र, ऐसी मनभावन प्रतिमा, जिनके दर्शन मात्र से अंतःकरण को स्पर्श करने वाली शांति का अनुभूति हमें हो जाती है। ऐसे भगवान जी के चरणों में, मुनसिप्रसाद भगवान के श्री चरणों में हम सपरिवार कोटि-कोटि नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं। आदरणीय श्री जय कुमार जी ने जितने सुंदर भाव से यहाँ पर प्रभु की पूजा कराई, शांति धारा का ही अभिषेक कराया और हमें अवसर दिया अभिषेक करने का, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब तक देरी हुई से देरी हुई, अब जल्दी जल्दी इस क्षेत्र पर हमें बुलाते रहना, इच्छा कि हम आपके दर्शन कर सकें और क्षेत्र का अवलोकन कर और पूरे परिवार के साथ आकर के उन्हें भी पुण्य भाग्य का हम कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।